गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। देखिए क्लास टू का सोशल स्टडीज जो है हम लोग का बुक, उसका क्लास चैप्टर नंबर टू हेल्दी हैबिट्स, इसका असाइनमेंट नंबर टू अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब आपको पूरा आंसर लिखवाया जाएगा सेकेंड असाइनमेंट का, आप उसको लिखेंगे और याद करेंगे। तो ISST का सेकेंड चैप्टर हम लोग देखते हैं। सेकेंड चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, वो है व्हाट आर 10 गुड हैबिट्स। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 10 गुड हैबिट्स को लिखना है। मैंने कुछ गुड हैबिट्स को लिख दिए और आप लोग कुछ बुक से देखकर स्वयं लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक गुड हैबिट्स है, वी शुड ईट ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एट अ फिक्स्ड टाइम। यानी कि हम लोग को हमेशा लंच डिनर और ब्रेकफास्ट जो भी चीज हम लेते हैं उसे एक निर्धारित समय पे लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम देर रात खाना खाए तो ये सब नहीं, एक फिक्स टाइम में लेना चाहिए। तो एक ये गुड हैबिट हुआ। दूसरा गुड हैबिट हुआ वी शुड ड्रिंक प्लेनिटी ऑफ वाटर। इसके बारे में प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए अच्छे तरीके से, निर्धारित जो पानी की आवश्यकता होती है हमारे शरीर की उस मात्रा में पानी जरूरी है। इसके बाद दो मैंने लिख दिया है आर्ट, और आप बुक से लिख लेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारा गुड हैबिट्स दिया हुआ है जो आपके हेल्थ के लिए एसेंशियल है, उसको आप लिखेंगे। उसके बाद ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं व्हाट आर गुड हैबिट्स, ठीक है। यानी कि गुड हैबिट्स क्या है इसे डिफाइन करना है। सम हैबिट्स आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर हेल्दी एंड सेफ लाइफ, ठीक है। यानी कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे सुखी और स्वच्छ जीवन के लिए जरूरी है, ऐसे आदतों को हम क्या कहते हैं गुड हैबिट्स। आप लोग इसको नोट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए व्हाट आर द गुड हैबिट्स एट योर होम। यानी कि घर की अच्छी आदतें क्या क्या है। Keep your house clean and keep your things at proper place are our good habits at home. ये आपके घर की अच्छी आदतें हैं। उसके बाद है स्कूल की अच्छी आदतें, ठीक है। इसमें कहता है what are the good habits in school. Keep your classroom clean, do not waste water and throw waste in dustbin. All dustbin only आर गुड हैबिट्स एट स्कूल्स। यानी कि ये स्कूल की अच्छी आदतें हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर सेफ्टी रूल्स। देखिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसे हम लोग सेफ्टी रूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेफ्टी रूल है आपका वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट। ये सब कुछ ऐसे रूल है जो सेफ्टी रूल्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए व्हाई डू वी यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग क्यों यूज करते हैं। वी यूज जेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉस द रोड। यानी कि रोड क्रॉस करने के लिए हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट टू गुड हैबिट्स ऑन द रोड। यानी सड़क पे होने वाले दो अच्छी आदतों का मेंशन करना है। तो देखिए फर्स्ट आदत है हमारी वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। रोड हमें सदैव जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है वी शुड स्टॉप ऑन रोड वेन ग्रीन सिग्नल इज ऑन। यानी जब भी ग्रीन सिग्नल ऑन देखे तो हमें रुक जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप राइट टू गुड हैबिट्स व्हाइल ईटिंग फूड। यानी कि भोजन करते समय दो अच्छी आदतें हमें फॉलो करनी चाहिए, वो कौन कौन सी आदतें हैं उसे लिखना है। तो देखिए वी शुड ईट स्लोली, यानी कि खाना हमेशा धीरे धीरे करना चाहिए, है ना, बहुत जल्दी भी नहीं। उसके बाद वी शुड ड्रिंक प्रॉपरली, भोजन को अच्छे तरीके से चबाना चाहिए, है ना। जो भी भोजन आप लेते हैं उसे प्रॉपर चबा करके तभी निकलना चाहिए। तो ये दो अच्छी आदतें हो गई जो खाना खाते समय आपको अपनाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए व्हाई शुड यू ब्रश योर टीथ। आप अपनी दांतों की सफाई ब्रश से क्यों करते हैं। तो इसमें देखिए वी शुड ब्रश आवर टीथ फॉर क्लीन जर्म्स। यानी कि हमारे दांतों में जब भोजन करते हैं तो उससे जो डिकेइंग होता है उसके बाद क्या होता है बहुत सारे जम्स हो जाते हैं। तो उससे निजात पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ब्रश करते हैं हर दिन दो दो बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए व्हाई शुड वी टेक ए बाथ एवरी डे। वी टेक ए बाथ एवरी डे टू क्लीन आवर बॉडी। यानी कि एक प्रतिदिन हम जो बात स्नान करते हैं उसका क्या कारण होता है, तो हम अपने शरीर की सफाई के लिए हर दिन स्नान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए व्हाई शुड वी कीप आवर क्लोथ्स क्लीन। हमें अपने वस्त्रों की यानी कपड़ा जो हम पहनते हैं उसके सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए। क्लीन क्लोथ सेफ आवर बॉडी फ्रॉम
जम्स, यानी कि जो साफ वस्त्र हम पहनते हैं वो क्या होता है कि हमारे शरीर को जम्स से दूर रखता है, इसलिए हमें साफ वस्त्र पहनने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का, व्हाई शुड वी ट्रिम आवर नेल्स, हम लोग को नाखून क्यों काटना चाहिए। नेल्स हैव वेस्ट इनसाइड इट सो वी शुड ट्रिम इट वंस इन अ वीक, ठीक है, यानी कि नाखून के साइड में बहुत सारा कचरा फंस जाता है, बहुत सारा काम करते हैं गंदगी जम जाता है, जिसके कारण हमको सप्ताह में एक दिन नाखून को काटना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमें नाखून को कब काटना चाहिए, कितने समय पर काटना चाहिए। वी शुड ट्रिम नेल्स वंस इन ए वीक, यानी सप्ताह में कम से कम एक बार नाखून को अवश्य काटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाई शुड वी वियर क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स सेफ अस फ्रॉम जर्म्स सो वी शुड वियर इट, यानी कि साफ वस्त्र जब हम पहनते हैं तो हमें बहुत सारे जर्म्स से फ्री रखता है, सेफ रखता है, इसलिए हमें इसे पहनना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाई शुड वी टेक ए हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड क्यों लेना चाहिए। हेल्दी फूड इज गुड फॉर आवर हेल्थ, यानी कि हेल्दी फूड जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, इसीलिए हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए। अब तो बच्चों इस तरह से हम लोग का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज डिस्कशन में आपका पेज नंबर है 13, ठीक है, 13 आप एक्सरसाइज निकाल लीजिए। देखिए इसमें हम आपको कुछ हिंट्स दे दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग खुद बनाएंगे। सबसे फर्स्ट है से यस और नो, यानी कि यस और नो में आंसर देना है। फर्स्ट है आई ईट माई डिनर एट 8 o'clock एट नाइट, ये क्या हो जाएगा, यस, ठीक है, यानी कि हम लोग रोज रात में 8 बजे हम लोग का डिनर होता है। सेकेंड देखिए, आई टेक बाथ एवरी डे, यस। आई ब्रश माई टीथ ओनली इन द मॉर्निंग, नो। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, यस। आई ईट फ्रूट्स एवरी डे, यस। आई ईट ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, यस। आई ईट जंक फूड ऑफ्टन, इसमें नो लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आइए, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इधर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है बोल्ड लेटर में, आप मेरे को इसमें से एक ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो खाली जगह है उसमें भरना है। देखिए डैश आर ट्रिम्ड एंड क्लीन, यानी कि कौन ऐसा चीज है जिसे ट्रिम्ड एंड क्लीन किया जाए, तो नेल्स, यानी नाखून को काटना और साफ करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वी शुड वॉश आवर डैश ट्वाइस ए वीक, वी शुड वॉश आवर आइज, ठीक है, ट्वाइस ए वीक, सॉरी वी शुड वॉश आवर डैश ट्वाइस ए वीक, वी शुड वॉश आवर हेयर, ठीक है, यानी सप्ताह में एक दिन हमें अपने बालों को भी अच्छी तरह से धोना चाहिए। वी विजिट ए डेंटिस्ट टू गेट आवर डैश चेक, यानी डेंटिस्ट के पास हम क्यों जाते हैं, तो टीथ यानी दांतों का चेक कराने के लिए हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इट इज सेफ टू क्लीन द डैश विथ ईयरबड्स, ठीक है, यानी ईयरबड्स की सहायता से हम क्या चीज को साफ करते हैं, तो ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वॉश योर डैश बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, तो क्या चीज हमें भोजन के पहले और बाद क्या चीज की सफाई अच्छे तरीके से करनी चाहिए, तो हैंड्स की, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैंड्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसमें आपको कुछ पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को देखना है और पिक्चर में क्या करना है कि टिक द करेक्ट एक्शन, इस पिक्चर में कुछ सही एक्शन है और कुछ गलत एक्शन है, तो जो भी सही एक्शन है इस सभी पिक्चर में उसको आपको टिक करना है, ठीक है, तो आप कर लेंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, चूज द राइट आंसर, इसमें 3-3 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर को टिक करना है। आवर मील शुड कंसिस्ट मेनली ऑफ, देखिए हमारा जो भोजन है वो मेनली क्या चीज होता है उसमें, तो वेजिटेबल्स होता है मुख्य रूप से, तो वेजिटेबल में टिक करेंगे, यानी ऑप्शन ए सही है। वी शुड ईट डैश फ्रूट, हमें कैसा फल खाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन होगा बी सही, यानी फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए। थर्ड, अवॉइड ईटिंग डैश फूड, यानी कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, तो हमें हमेशा अवॉइड ईटिंग डैश फूड, हमें किस तरह के भोजन को नहीं लेना चाहिए, तो हमें जंक फूड कभी भी नहीं लेना चाहिए, तो इसमें आप इसका ऑप्शन सी टिक करेंगे, जंक फूड। उसके बाद डैश मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्गर, क्या चीज ऐसा है जो हमारा बोन्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज, यानी बी नंबर को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डैश इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि कौन सा ऐसा है जो एक्सरसाइज का एक अच्छा तरीका है, योगा, चैटिंग, वॉचिंग टीवी, तो योगा जो है वो एक्सरसाइज का एक सर्वोत्तम तरीका है, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। आप देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको कुल 5 क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा है जो असाइनमेंट में भी करवाया गया है,
बहुत सारा इस एक्सरसाइज में भी है, आप इसको पढ़ करके इसे खुद से करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज हमारा हम लोग का कंप्लीट हो गया। आप असाइनमेंट वाले सभी आंसर्स को लिख करके अच्छे तरीके से याद करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।